नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत में कोरोना मृतकों की संख्या 1 लाख के पार, मात्र 204 दिनों में पहुंचा इतना आंकड़ा। नोएडा में कहीं बाइक से हाथरस ना चले जाए राहुल गांधी, बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। यूएनजीए में परमाणु हथियारों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर भारत ने जताई सहमति। बिडेन ने कहा कि ट्रंप का कोरोना संक्रमित होना वायरस को गंभीरता से लेने की फिर से याद दिलाता है। नए कृषि कानूनों की काट का दावा, कांग्रेस ने तैयार किया आदर्श कानून का मसौदा। दशकों में सबसे घातक बीमारी का शिकार होने वाले राष्ट्रपति बने ट्रंप। हादसे में घायलों की मदद करने वालों को नहीं बताना होगा पहचान, मिलेगा गुड स्मार्टियन का दर्जा। हाथरस कांड में पीड़िता के गांव में लगी पाबंदी पर राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए लगी रोक। यौन शोषण के बाद आत्महत्या करने वाली पीड़िता की मां को सुप्रीम कोर्ट ने दी खास इजाजत। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथरस जाना राजनीतिक पाखंड। गूगल ने टीवी के साथ लॉन्च किया नया क्रोमकास्ट, अमेजन फायर टीवी और रोकू से मिलेगी टक्कर। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना वायरस से बचने के लिए बनाए लोशन व टी शर्ट। डीआरआई ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 17 करोड़ रुपए से अधिक का 33 किलो का सोना किया जब्त। केंद्र सरकार ने अरुणाचल के 3 जिले व 4 थाने अशांत क्षेत्र किए घोषित। गोवा में जावड़ेकर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेता हिरासत में। बंगाल पुलिस ने कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की रैली को रोका। हाथरस मामले पर प्रियंका बोली, योगी जी दे इस्तीफा, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी कृषि विधेयकों के पारित होने से बहुत खुश होते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित। कोरोना वायरस के कारण इस बार आयोजित नहीं होगी शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली। नड्डा ने 6 अक्टूबर को बुलाई नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक। एनसीबी के सामने दीपिका, सारा और श्रद्धा की चैट में माल को ड्रग साबित करने की चुनौती। हाथरस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई, एसपी डीएसपी और इंस्पेक्टर सस्पेंड। फ्रेंच ओपन 2020 में नडाल, थीएम और हालिप अगले दौर में वावरिंका और बोपन्ना हारे। कोचिंग के लिए अब कोच को देना होगा फिटनेस टेस्ट, अनफिट प्रशिक्षकों के लिए चुनौती।